नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। कोई माने या ना माने, पर जब अति सारी सीमाएं पार कर जाती है तो उसका अंत करने के लिए बहाने पैदा हो ही जाते हैं। चीन भी कुछ ऐसी ही राह का प्रतीक बन चुका है। आज हालत यह है कि सुपर पावर अमेरिका के साथ जारी उसका घमासान बेहद तीखे मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों ही देशों के बीच कई मुद्दों पर तनाव और टकराव है, जिसको लेकर दोनों ही जैसे कुछ तैसे की नीति पर बढ़ चले हैं। बुधवार को अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए ह्यूस्टन के चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करा दिया। अमेरिका की इस कार्रवाई से चीन इतना तिलमिलाया कि उसने भी बड़ी जवाबी कार्रवाई कर दी। चीन ने चेंगदू स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। अब तो डाल डाल में पात पात का परिणाम कहीं ना कहीं जारी तनाव को और बढ़ाएगा, यानी वे बहाने बन रहे हैं जिनसे अतिकांत होने वाला है। वैसे अमेरिका चीन के बीच इस तनाव की शुरुआत 2008 में व्यापार वार्ता के तौर पर हुई थी। चीन में अमेरिकी कंपनियों को समान अधिकार और फायदा न मिलने के बाद अमेरिका ने जुलाई 2018 से चीन से आने वाले $34 अरब के सामान पर 25% तक शुल्क लगाने का फैसला किया था। इसके बाद चीन ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया था और अपने यहां पर आने वाले अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। ऐसा करते हुए चीन ने कहा था कि अमेरिका विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन कर रहा था, लिहाजा देश हित में अमेरिका को जवाब देना जरूरी था। इसका मतलब यह है कि चीन खुद अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को ताक पर रखता है, मगर जब भी स्थिति उसके खिलाफ जाती है वह इन नियम कानूनों का रोना रोने लगता है। चीन ने अमेरिका पर जवाबी एक्शन लेते हुए उसने अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड वॉर शुरू करने का आरोप भी लगा दिया था। इसके कुछ ही माह के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से चीन से आने वाले सामान पर करीब 34,40,000 करोड़ तक के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। बीते सालों से जो घटनाक्रम चीन और अमेरिका के बीच चला है, उसमें दोनों के बीच टिट फॉर टैट की नीति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। दुनिया में फैली जानलेवा कोविड-19 महामारी के लिए अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने चीन पर इसको फैलाने का आरोप मढ़ा था। बदले में चीन ने ऐसे ही आरोप अमेरिका पर गढ़ दिए। हालत यह हुई कि इस महामारी के इर्द गिर्द दोनों देशों के बीच बयानबाजी लगातार तीखी होती चली गई। बाद में कुछ और देशों ने भी अमेरिका के सुर में सुर मिला लिए और चीन पर इसको फैलाने का सीधा आरोप जड़ दिया। इसमें अमेरिका के साथ यूरोपियन देश एकजुटता से खड़े हो गए। कभी चीन का सहयोगी रहा ऑस्ट्रेलिया खुलकर उसके खिलाफ आ खड़ा हुआ। अब अमेरिका चीन के प्रति बेहद कठोर रुख अख्तियार कर चुका है। दक्षिणी चीन सागर में उसने धमक के साथ अपने युद्ध पोतों को उतार दिया है। इसके साथ ही कूटनीतिक तौर पर भी वह चाइना पर लगाम लगा रहा है। पिछले दिनों ही अमेरिका ने चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े चैन क्वांगू, सु हाइलुन और वांग मिसगान समेत 4 वरिष्ठ राजनेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया। बदले में चीन ने भी अमेरिका सीनेटर्स को अपने यहाँ आने से प्रतिबंधित कर दिया। खास बात यह है कि चैन क्वांगू अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित किए गए अब तक के सर्वोच्च रैंक वाले चीनी अधिकारी है। वह चीन के प्रभावशाली पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने पहली बार चीन के खिलाफ इतना सख्त रुख अपनाया है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि असली घमासान तो दक्षिणी चीन सागर में छिड़ने वाला है। दक्षिणी चीन सागर बेहद महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। यहां से दुनिया का सालाना $3 ट्रिलियन का कारोबार होता है। चीन इस इलाके पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है, या यूं कहे कि वह बहुत हद तक कब्जा कर चुका है, मगर अमेरिका अब उसे अधिक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर तो एक बहाना है। अमेरिका कोरोना वायरस से मारे गए अपने 1,40,000 से ज्यादा लोगों का बदला चीन को चित करके लेना चाहता है, यानी बहाने गढ़े जा रहे हैं और निशाने साधे जा रहे हैं। अमेरिका पूरी तरह से चीन के पीछे पड़ चुका है। इसके पीछे अमेरिका की घरेलू राजनीति भी कहीं ना कहीं ट्रंप पर दबाव डाल रही है। 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से अमेरिकी गुस्से के मारे चीन पर भड़के हुए हैं। ऐसे में ट्रंप यह दिखाने की कोशिश में है कि चीन को सबक सिखाने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। खास बात यह है कि अगले 3 महीने चीन पर और भारी पड़ने वाले हैं। अगर चुनाव से पहले ट्रंप ने चीन के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया तो कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। पर यह भी ध्यान देने लायक है कि अगर इस अवधि में डाल डाल पात पात का खेल चलता रहा तो फिर आगे किसी जंग की संभावना भी कम है। पर इस वक्त चीन अमेरिका के बीच जो घमासान चल रहा है, उसे भी युद्ध से कम नहीं आका जा सकता है, क्योंकि इस खिंचातान में चीन को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वह किसी बड़े युद्ध में होने वाले नुकसान से कम नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।